नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट. सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया के मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट डिजायरेबल एंड मोस्ट यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रेड अप पर. आज हमारा स्टेप नंबर 12 रहेगा. टोटल 60 क्लासेस जो होने वाली है, हमारी टोटल जो 60 क्लासेज होने वाली है उसमें स्टेप नंबर 12 है. डिस्कस कर रहे हैं हम हिस्ट्री के पोर्शंस को, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी है हमारे साथ में, और साथ ही साथ हमने मेडाइवल और एंशंट के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कर लिए हैं. इसी के साथ साथ हम लोग जो है मिक्सचर के अंदर मॉडर्न को भी आज स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट को हम जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो क्विकली सेशन को कर दीजिए शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे जो बाकी साथी है उन्हें भी लगे कि यस ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा, क्योंकि एक छोटी सी ड्यूटी जो है आपको जो निभानी होती है इस क्लास के अंदर, वो सिर्फ इतना है कि आपको सेशन को लाइक करना होता है और शेयर करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है. वो जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा वो आपको मिस नहीं करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नम्रता, बहुत बहुत स्वागत है आपका ना. चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वालेकुम अस्सलाम, तबस्सुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. चलिए भाई फटाफट से शुरुआत करते हैं सेशन की, और एक एक पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. तो उससे पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी हाल ही के अंदर जो है ग्रेड अप आपके लिए, अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं कि एक हमारा पर्टिकुलर हमें क्या चाहिए, एक रेगुलर हमें अपडेट चाहिए, और जिसके थ्रू हम लोग जो है हमारे हर एक डाउट को जो है अच्छे से क्लियर कर सके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड अप का एक ऑफर आया है जिसके अंदर आप स्किल 50 कोड यूज़ करते हुए कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी कम क्वान्टिटी के अंदर, यानी कि कम जो हमारा पैसे का अंदर है, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे. तो ये एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट रहेगा, एक छोटा सा ऑफर जो है हमारी तरफ से आप सभी के लिए. तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने साथी जो कि प्लान कर रहे हैं कि यस हमें भी जो है एक ऐसा गाइडेंस चाहिए जिसके थ्रू हमें कम जो है पैसे के अंदर, कम जो है क्वांटिटी ऑफ पैसे के अंदर हमें जो है ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कंटेंट मिले, तो ये चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा. आई एम एब्सोल्युटली फाइन तबसुम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एंड आई होप कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नंदा. चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन को. फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पहला क्वेश्चन जो है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से जो है ये सवाल पूछा गया है आपसे. और सवाल के अंदर तीन स्टेटमेंट लिखे गए हैं, तीन स्टेटमेंट में से हमें ये बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर क्या है बिल्कुल करेक्ट है. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हो ये स्टेट एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया पर्टिकुलर पार्ट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जो स्टेट के बाकी एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये पूछा गया था कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था. तो ये जो हम देखते हैं मल्टीपल डायमेंशन के अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर, याद रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को करेंगे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये रहेगा. देखते हैं कितने साथी हमारे जो है इसका राइट आंसर कर पाते हैं, और क्विकली सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, शेयर करेंगे और क्विकली आंसर करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर 3. कौन सा राइट आंसर आता है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है. आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्या पढ़ रखा होगा, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ रखा होगा. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन. तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वर्ड था हमारा ना, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 एंड 3 बिल्कुल सही है. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, और हमारा एक वो हुआ करता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये दो जो है इंपॉर्टेंट वर्डिंग हमारे यहाँ पर हमने पढ़ी थी जब भी हम लोग जो है 1892 के एक्ट की बात करेंगे. इन दोनों ही पार्ट्स के अंदर क्या किया गया था, इन दोनों ही पार्ट्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा दिया गया था. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अपूर्वा, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे दोनों ही पर्टिकुलर जो है बॉडीज़ के अंदर बढ़ा दिए गए थे. ये सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट मान लो आज की भाषा के अंदर, ठीक है ना. तो
यहाँ पर जब नॉन ऑफिशियल मेंबर को बनाया गया तो नॉन ऑफिशियल मेंबर कहाँ से चूज़ किए जाते थे? वो नॉन ऑफिशियल मेंबर यूनिवर्सिटी से, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, म्यूनसिपैलिटी से, जमींदार, लैंडलॉर्ड और अलग 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 जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे उन सब से जो है ये पर्टिकुलर पार्ट आता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक वर्ड जो आपको कन्फ्यूज़ करता है वो सबसे ज़्यादा करता है कि मतदान का जो पर्टिकुलर पार्ट आता है या फिर हमारा जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ से कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे पहली बार रिप्रेजेंटेशन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई और व्यक्ति भी चुना जाएगा, मैं ना ब्रिटिश नागरिक के अलावा कोई और व्यक्ति भी चुना जाएगा, वो सबसे पहली बार कब आता है? सबसे पहली बार यहाँ से आता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसी बॉडी को प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट यह हमारा जो है बजट के ऊपर जो बोल रखा है, 3/4 भाग पर जो है परीक्षण मतदान की प्रक्रिया यानी कि हमारा वोटिंग कर सकते हैं बजट के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। इस एक्ट के थ्रू बिल्कुल एक पॉइंट सही है, बिल्कुल एकदम सही पर्टिकुलर पार्ट इस एक्ट के थ्रू कही गई है कि इस एक्ट के थ्रू हम लोग जो है बजट को डिस्कस कर सकते थे ना, बजट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन किसी भी तरह का वोटिंग का राइट नहीं था है ना। और साथ ही साथ हम लोग किसी तरह का अमेंडमेंट यानी कि किसी तरह का कोई चेंज भी बिल्कुल नहीं बता सकते थे कि ये चेंज करिए जाए यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और इलेक्शन नाम का जो वर्ड है वो इसके अंदर यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्शन जो वर्ड है इस एक्ट के अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। बिल्कुल सही बात बोल रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा क्या है, पॉलिटी और हिस्ट्री का मिक्सचर है। Which of the following administrative reform is also described as half loaf system? निम्नलिखित प्रशासनिक सुधारों में से किसे जो है हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा गया है? जल्दी से सभी आते हैं हमारा आंसर देंगे। चंद्रा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेशन को फटाफट से शेयर करिए, इस सेशन का आपका PDF जो है वो ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया जा चुका है और आई होप कि आप सभी को जो है वो PDF मिल भी गया होगा। क्लास से पहले ही आपका जो है PDF अवेलेबल आपको करवा दिया गया था। क्विकली आंसर करेंगे सभी साथी हमारे। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को करेंगे शेयर। चलिए आंसर आ रहे हैं, बी आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन राइट आंसर जो हमारा रहेगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअल में क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये ट्राई किया था कि कंपनी की एक्टिविटीज़ को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने के जो रीज़न थे वो जो है सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। करप्शन की जैसी समस्या जैसी वो नहीं रुक पा रही थी और कुछ पर्टिकुलर जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 19 हमारा जो 1763 के अंदर वहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स थे, उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया और दो चीज़ें लेके आया। एक उसने लेके आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी के जो कमर्शियल यानी कि जो हमारा व्यापारिक गतिविधियाँ हुआ करती थी कंपनी की उसको कंट्रोल करता था, और एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक गतिविधि को कंट्रोल करता था। तो उस केस के अंदर क्या हो गया कि आधी कंपनी की गतिविधि तो कर रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट, आधी गतिविधियाँ जो है हमारा अभी भी कंपनी कर रही थी, तो इस तरह से क्या हो गया, इसी को जो है हाफ लॉफ सिस्टम कहा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रिजवान, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फड पेंटिंग सभी ने पढ़ रखी होगी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फड पेंटिंग सभी ने पढ़ रखा होगा और फड चित्रकला से संबंधित जो है यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिख रखे हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फड पेंटिंग से बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है हमारे एग्जाम के अंदर पेंटिंग से रिलेटेड सवाल आता है और फड पेंटिंग जो है लास्ट ईयर न्यूज़ के अंदर था, लास्ट ईयर 2020 के अंदर मई जून 2020 का इस वीक हमारा जो है करंट अफेयर का पर्टिकुलर पोर्शन हम कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले का है ना जनवरी से लेकर अप्रैल तक का हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं है ना, ये करंट अफेयर के अंदर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट है। देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में याद है, आंसर पता है। ओके दैट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग, आंसर आ रहे हैं, डी आ रहा है, सी आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ओनली एंड ओनली टू। कौन सा ऑप्शन? ओनली एंड ओनली टू, सेकेंड स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है ना। क्यों ऐसा? ये बात तो बिल्कुल सही बोल रखी है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एक बड़ा सा जो है क्लोथ का पीस लिया जाता है, लगभग लगभग जो है वो क्लोथ का जो पीस होता है वो 15 से लेकर के 30 फीट तक का लंबा क्लोथ का पीस होता है
ना, और उसके ऊपर जो है मेजरली हम क्या बनाते हैं, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बाबूजी, क्या बनाते हैं, बाबूजी की पेंटिंग, या फिर बाबूजी के अलावा जो है हम लोग जो है एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, एक और इम्पोर्टेंट हमारे लोकल डाइटी जो है वो है हमारे देव नारायण। कौन? देव नारायण। इन दो डाइटीज का जो है इमेज इस क्लोथ के ऊपर बनाया जाता है, जिसको हम फड़ पेंटिंग कहते हैं। इसकी जो फीचर है, इसके फीचर के अंदर कुछ तरह से रहेगा, इनके अंदर जो आइज रहती है, यानी कि इनकी जो आंखें रहती है, वो आइज थोड़ी लार्ज बनाई जाती है, और फेस को जो है वो राउंड रखा जाता है। फेस कैसा होता है? वो गोल होता है। फेस को जो है वो राउंड रखा जाता है, किसके अंदर? फड़ पेंटिंग्स के अंदर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू नोट डाउन। और इसके अंदर जो कलर यूज़ किए जाते हैं वो सभी हमारे वेजिटेबल कलर्स होते हैं, कोई भी हमारा जो है आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है। और ये जो है हमारा बिहार से बिलोंग नहीं करता है, ये हमारा राजस्थान से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान से बिलोंग करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, बाकी एकदम सही है। स्टेटमेंट नंबर टू ओनली करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट, राजस्थान से जो है ये किया जाता है। और इसी को जो है आप कहीं पे ये भी पढ़ सकते हो, स्क्रॉल टाइप आर्ट भी पढ़ सकते हो फड़ पेंटिंग को, है ना। स्क्रॉल टाइप आर्ट का मतलब एक किसी भी लंबे से जो है पर्दे के ऊपर जो इसको बनाया जाता है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कहाँ मिलता है? राजस्थान के अंदर मिलता है, और ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन थिएटर यानी कि भारत की जो नाट्य कला है उससे संबंधित ये पूरे के पूरे पार्ट हैं। इंडियन थिएटर से रिलेटेड सवाल आते हैं, हमें पता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट के अंदर। तो इंडियन थिएटर से रिलेटेड ये पर्टिकुलर कुछ तीन स्टेटमेंट है, इसे पढ़ना है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर इंडियन थिएटर से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जामिनर हमें ये पूछेगा, हमें हर हाल में पता है ना। और ये जो आप पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हो, जितने भी पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, जिसकी बात यहाँ की गई है, ये भी न्यूज़ के अंदर था। हम कोई भी रैंडमली उठा के नहीं पूछ रहे। मैंने आपको एक एक बात हमेशा कही है हमारे करंट अफेयर की क्लास के अंदर भी, कि एग्जामिनर आपको सवाल पूछेगा हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के, बायोडाइवर्सिटी के, या फिर हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के, है ना, या फिर हमारे जो है ज्योग्राफी के जो पर्टिकुलर फीचर पूछता है वो भी पूछेगा। लेकिन 70% क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन होंगे इन सब के जो कि करंट अफेयर के अंदर रहे थे। मैं आपको ये नहीं कहता कि सब कुछ पढ़ो, हमेशा याद रखना सब कुछ पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। बस एग्ज़ाम का एक कोड जो होता है वो पता कर लो, उससे हर एग्ज़ाम क्लियर होता है। इसी कोड के थ्रू मैंने 4 इंटरव्यू दिए यूपीएससी के, है ना, और बाकी एग्ज़ाम भी क्लियर किया है मैंने, है ना, एसबीआई पीओ हो गया, गेट हो गया। एक सिंपल सा कोड है, एग्जाम को क्रैक करने का तरीका है कि सिलेबस को स्मार्टली कवर अप करो, ना कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को कवर अप करोगे तो कभी कवर अप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो रहता है ए। कौन सा पर्टिकुलर पार्ट? ऑप्शन नंबर ए रहता है, बिल्कुल करेक्ट थिंग कह रखा है। ये हमारा जो पर्टिकुलर पार्ट है सारिपुत्र प्रकरण, ये किसने लिखा था याद होना चाहिए आपको, अश्व घोष ने लिखा था। किसने लिखा था ये जो है? अश्व घोष ने लिखा था। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया ये जो है हमारा एक नाटक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है। एक क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट क्लासिकल जो हमारा टेक्स्ट था संस्कृत का, वो अश्व घोष के द्वारा लिखा हुआ सारिपुत्र प्रकरणम था। एब्सोल्युटली करेक्ट थी। ओके, इसके अलावा जो हमारा है रमानंद, भूत का और काल, अनुगत, ये रूप, ये सब क्या है? ये थिएटर के अलग अलग फॉर्म है ना, आर फॉर्म्स ऑफ द रिचुअल थिएटर्स। बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट कह रहा है ये सर। क्या किस तरह का फॉर्म होता है ये भी थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है इनका नाम है ना। जिस तरह से रिचुअल रिचुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका अंक्यानाथ है, अंक्यानाथ कहाँ पर है? आसाम का है ना, पता होना चाहिए आपको। कला है ना, कला भी क्या है हमारा? आसाम का ही है। तो ये सब क्या अलग अलग फॉर्म है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब हमारे क्या है? अलग अलग फॉर्म है, जिसके अंदर जो है अलग अलग टाइम पीरियड की बात की जाती है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। विलुपट्टू जो है हमारा वो म्यूजिकल थिएटर जो हमारा पार्ट जो बता रहा है, जिसके अंदर स्टोरीज के बारे में कहा जाता है किसकी, कृष्णा एंड राधा की, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, रामायण जो सब्जेक्ट है हमारा, कौन सा सब्जेक्ट? रामायण, रामायण से रिलेटेड ये पर्टिकुलर पार्ट है, ना कि कृष्णा एंड राधा से। विलुपट्टू बिल्कुल ये सही कह दिया कि एक तरह का क्या है, एक म्यूजिकल थिएटर है। यहाँ तक तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन साथ में जो ये पर्टिकुलर पॉइंट बोला स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड राधा, ये गलत है। इतना सा स्टेटमेंट सही था हमारा, लेकिन आगे नहीं पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन आएगा। तो ये रामायण, इसका सब्जेक्ट क्या है? रामायण है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
करंट अफेयर का डायरेक्ट न्यूज है हमारा, स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो न्यूज के अंदर था, हमें बताना है ये किससे संबंधित है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो न्यूज के अंदर था लास्ट जून, मई जून के अंदर। हम एक वीक के अंदर ट्राई करते हैं कि पूरे दो मंथ का करंट अफेयर जो है वो कवर अप करते चले, और उस दो मंथ के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कवर अप करें, और साथ ही साथ उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें दिखाई देती दे है कि सर ये जरूरी है, ये जरूरी है, वो भी हम कवर अप करें। और सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, देखो सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा सेशन को फटाफट से कर दो लाइक और सेशन को कर दो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ताकि आपको जो है हर एक जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। तो सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे सभी साथी हमारे क्विकली। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमित, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो राइट आंसर जो यहाँ हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा, प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग द यूथ। यही हमारा क्या है, बिल्कुल स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका जो फाउंडेशन किया जाता है, ये जो स्पिक मैके हमारा जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है, इसका फाउंडेशन हमें 1977 के अंदर मिलता है। कब मिलता है? 1977 के अंदर मिलता है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोट। और किसने किया था? डॉक्टर किरण सेठ ने। किसने किया था? डॉक्टर किरण सेठ ने जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोट डाउन। और ये एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, है ना, एक सोसाइटी है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोट याद रखिएगा। हेलो अश्मी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सवाल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पढ़ने वाले हो, ये हर हाल में आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर CAA कंटिन्यूसली न्यूज़ के अंदर था, और उसके अंदर इनर लाइन परमिट को लेकर बहुत सारी समस्या हुई थी। तो इनर लाइन परमिट के रेस्पेक्ट के अंदर यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ये बताना है। क्या है? करेक्ट है, सही है, ये बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं पॉलिटी के अंदर इनर लाइन परमिट और CAA के अंदर जब विवाद हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, तो उस टॉपिक को कितने लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप किया। सेशन को फटाफट से लाइक कर दो सभी साथी हमारे, क्विकली लाइक कर दो सेशन को। ये क्वेश्चन इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, मैं फिर बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आपकी न्यूज़ को एनालाइज करने के बाद, पूरे साल की न्यूज़ को एनालाइज करते हुए फिर बनाए जाते हैं, और इसको रोज़ डेली बेसिस पे जो है रात भर एनालाइज करके एक क्वेश्चन का ऐसा बनाया जाता है जिसमें एग्जाम के अंदर आ सकते हैं सवाल। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट है, इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेंगे ये सवाल। तो टाइम होता है यहाँ पर अब हमारा, और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि बी। स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर जो हमारा थ्री है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये जो हमारा पार्ट है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि मणिपुर के अंदर एग्जिस्ट करता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट करता है, नागालैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, और मिजोरम के अंदर एग्जिस्ट करता है, ना कि मेघालय के अंदर। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है यहाँ पर गलत हो गया। तो मेघालय की जगह कौन आएगा? मिजोरम आएगा। बस इतना सा पर्टिकुलर एक वर्ड की वजह से क्या हो गया, हमारा आंसर गलत हो गया। और ये सवाल डायरेक्टली भी एक ABCD की फॉर्म के अंदर भी पूछा जा सकता है हमसे कि कौन सा पर्टिकुलर जो है ऐसा हमारा जो है राज्य है जिसके अंदर इनर लाइन परमिट नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि इनर लाइन परमिट न्यूज़ के अंदर था, तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन चार स्टेट के अंदर कौन कौन से, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम के अंदर मिलता है, मेघालय के अंदर नहीं मिलता है। बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर, यानी कि ये गलत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इनर लाइन परमिट वाला जो क्षेत्र जो हमारा है, ये जो CAA था वो इनर लाइन परमिट वाले एरियाज के ऊपर लागू नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट थिंग है, एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग कह रखा है। कहाँ पर कह रखा है, कोई पूछ ले या इंटरव्यूअर पूछ ले तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होने चाहिए सेक्शन 6B क्लॉज नंबर 4 ऑफ CAA एक्ट ऑफ 2019। सेक्शन 6B क्लॉज नंबर 4, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। नो संसाम, असम के अंदर जो है इनर लाइन परमिट नहीं है, असम के अंदर इनर लाइन परमिट नहीं है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन। ओनली एंड ओनली हमारे चार स्टेट है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। असम के अंदर इनर लाइन परमिट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन वहाँ पर नहीं है, ठीक ना। और CAA एक्ट वहाँ पर इनर लाइन परमिट एरिया के अंदर लागू नहीं होता है, ये न्यूज़ के अंदर था। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
और नेक्स्ट हमारा बता रहा है इनर लाइंस आर डिक्लेयर्ड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट और 1873। बिल्कुल करेक्ट है, ये इनर लाइन जो हमें जो एक्ट हम पढ़ते हैं कि इनर लाइन परमिट दिया जाए पर दिया जाए, ये वो एक्ट है जिसके थ्रू ये दिया जाता है ना। सरकार जो देती है ये पूरा का पूरा एक बेनिफिट इनर लाइन परमिट के थ्रू, वो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू दिया जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड ये पर्टिकुलर पार्ट है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शास्त्रीय जो हमारा संगीत है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है हमें। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बताएंगे, क्विकली आंसर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भैया, जितने साथी देख रहे हो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी कर दो, है ना, क्योंकि जितने देख रहे हैं लाइव उसके कंपैरिजन के अंदर जो है हमारे लाइक्स थोड़े हजे आधे से भी कम दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए सेशन को और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। ये सवाल आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ABCD के फॉर्म के अंदर, कि जैसे कि बताइए निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी म्यूजिक का एग्जाम्पल है, हिंदुस्तानी संगीत शैली का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो वैसे भी सवाल आ सकते हैं ना, चिंता मत करो। ये हमारा टारगेट रहता है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है वन राइट रहेगा। ये बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट है, ये बिल्कुल गलत पर्टिकुलर पार्ट है। हमारा द्रुपद हो गया, तराना हो गया, है ना, ये सब पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, चना चतुरंग हो गया, ये सभी हमारे किसके स्टेटमेंट है, ये सभी हमारे जो है एग्जाम्पल है हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के। तो सर कोई और भी है क्या इसके अलावा? बिल्कुल है, इसके अलावा और याद रखिएगा, है ना, कुछ और भी एग्जाम्पल बता देते हैं हिंदुस्तानी शैली के, हिंदुस्तानी स्टाइल के। धामर हो गया हमारा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होरी हो गया, होरी के अलावा जो है ख्याल हो गया, ये भी क्या है, ये भी हिंदुस्तानी म्यूजिक है हमारे, ठीक है, हमारा होरी हो गया, ख्याल हो गया, है ना, इसके बाद टप्पा हो गया, है ना, ये सब क्या है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हिंदुस्तानी जो है शैली है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट ऑन, है ना। ये भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, सरगम क्या है, तो सरगम कोई है ना हमारा यहाँ पर एक स्टाइल है, मेजरली हिंदुस्तानी स्टाइल है, है ना। और भी एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठुमरी क्या है, तो ठुमरी भी एक हिंदुस्तानी म्यूजिक का स्टाइल है, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट पार्ट है। लेकिन ये बिल्कुल जो है गलत बात है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारा शुद्ध स्वर सप्तक मानक, यानी कि हमारा जो शुद्ध स्वर सप्तक मानक जो हम पढ़ रहे हैं कार्नेटिक स्कूल नहीं है। हम पढ़ते हैं ना वो सा रे गा मा पा, वो पढ़ते हैं ना, बस ये वही है। ये क्या है, हमारे जो है नेचुरल नोट्स है हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर, हम जब पढ़ते हैं सा रे गा मा पा, ये उस नोट्स का एक्चुअल में मीनिंग है शुद्ध स्वर सप्तक मानक जिसको कहा गया है, शुद्ध स्वर सप्तक स्केल जिसको कहा गया है। ये कार्नेटिक स्कूल से बिलोंग नहीं करती है, ये हिंदुस्तानी स्कूल से बिलोंग करती है, और वो सारे गामा पा जो है ये यही है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन, तो ये याद रखिएगा आपसे कि सारे गामा पा का जो एक्चुअल में वर्डिंग है उसका ये मीनिंग है शुद्ध स्वर सप्तक। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया, ये पार्ट बहुत बार न्यूज़ के अंदर रह चुका है और हाल ही के अंदर हमने ये पढ़ा भी था, याद होगा आप लोगों को, सलीबम पढ़ा था कुछ वक्त पहले ही, लास्ट वीक ही सलीबम पढ़ा था हमने करंट अफेयर की क्लास के अंदर। तो ये जो हमारा अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उससे रिलेटेड सवाल था, मैंने आप लोगों के साथ एक टेबल भी शेयर किया था और उस टेबल को शेयर करते हुए कहा था ये पढ़ लीजिएगा, इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट 13 जो है ये पर्टिकुलर पार्ट्स है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, हमारा शुद्ध स्वर जो हमारा जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज से, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से। ये न्यूज के अंदर था लास्ट ईयर भी और इस साल भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट ईयर भी न्यूज के अंदर था, इस साल भी ये न्यूज के अंदर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। क्विकली सेशन को शेयर करो और फटाफट से लाइक कर दो सेशन को, ये सवाल एग्जाम के अंदर बनेगा ना, इस टॉपिक से जरूर आएगा सवाल। अब वो ABCD की फॉर्म में भी आ सकता है और स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट बोल रखा है यहाँ पर हमारा जो है कि यहाँ पर जो है ये हमारा मणिपुर के अंदर जो है संकीर्ण परंपरा के अकॉर्डिंग जो है ये भाग बनाया गया है। बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये एक संकीर्ण प्रक्रिया है हमारी, कहाँ पर, मणिपुर की बहुत फेमस प्रक्रिया है
और उसके थ्रू 13 अलग अलग जो है पार्ट को हमारे इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर जो है 13 अलग अलग जो है रिचुअल्स को, जैसे कुंभ मेला हो गया, नवरोज हो गया, योगा हो गया, है ना, बुद्धिस्ट चैंटिंग हो गई, है ना, मदीयत्तु हो गया, रमन्ना हो गया, अभी बड़ा था, है ना, और कुटी यमतम हो गया, संस्कृत थिएटर हो गया, रामलीला हो गया, इन सबको क्या 13 अलग अलग हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का उपाधि मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्टेटस मिला है। लेकिन ये जो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन नोडल एजेंसी नहीं है इसकी, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फिर नोडल एजेंसी कौन है? तो याद रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी। कौन? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, संगीत नाटक एकेडमी जो है हमारी, वो इसकी क्या है, वो इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ना कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो संस्था है हमारी, ये हर बार न्यूज़ के अंदर रहती है। कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब कभी भी किसी को कोई स्टेटस दिया जाता है तो ये हर बार न्यूज़ के अंदर रहती है। तो देखते हैं कितने साथी हमारे जो है इसका राइट आंसर कर पाते हैं। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हो, ये भी न्यूज़ के अंदर था। देखते हैं कितने लोगों को करंट अफेयर याद है। आर्ट एंड कल्चर के सवाल दिख रहे हैं, लग रहा होगा कि बहुत टफ है, कैसे याद करेंगे, एग्जाम की तैयारी सही से नहीं हो पा रही। लेकिन नहीं, गलत सोच रहे हो। ये सवाल आर्ट एंड कल्चर का जरूर है, लेकिन करंट अफेयर का है। और 70% क्वेश्चन हमें करंट अफेयर से मिलेंगे, लेकिन वो होंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो जब भी करंट अफेयर पढ़ो तो डीप डिटेल में पढ़ो, सिर्फ हेडिंग करके मत लाओ। यही हमारी क्लास का अप्रोच रहता है। हम उसके अंदर एक न्यूज़ के रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट्स को भी कवर अप करते चलते हैं, ताकि आपका कोई भी पार्ट कभी भी मिस ना हो जाए। और बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि बोथ ऑफ द ऑप्शन आर इस बार क्या है हमारे, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही एकदम सही पर्टिकुलर पॉइंट के रखे हैं। जो हमारे यहाँ पर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, यानी कि राष्ट्र महत्व के स्मारक होते हैं, वो सब कौन संभालता है? भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण संभालता है, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभालता है। और हाल ही के अंदर हमारा जो है ये रानीपुर का जो झरियाल है हमारा, है ना, जो कि उड़ीसा के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस से डिक्लेयर किया गया था। बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट है। एक्चुअल में उड़ीसा के अंदर एक प्लेस है, कौन सा? बोलंगीर। कौन सा प्लेस है? बोलंगीर एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कहाँ आता है? हमारा उड़ीसा के अंदर आता है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, वहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है हमारा, जिसको हम रानीपुर झरियाल कहते हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन, है ना, ये चीज़ आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट है जो कि किसी पर्सन ने दिया था, क्या कहा था? द माइजरी हार्डली फाइंड्स अ पैरलर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक स्टेटमेंट आया था, एक कथन आया था, एक किसी ने कुछ बात कही थी कि वाणिज्य के इतिहास में इस दुर्गति के समान कुछ भी नहीं है, और भारत के मैदानों में काम करने करके यहाँ के कपास बुनकरों की हड्डियाँ चरमरा गई है। ये किसने कहा था? बहुत ही फेमस कोट है, बहुत ही फेमस कोट है। जब भी आप इंडिया, ब्रिटिश टाइम इंडिया के अंदर स्टार्टिंग का पार्ट, जब आईएनसी का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करता था, जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना, तब आप इस कोट को बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और जब एक पर्टिकुलर थ्योरी, जिसको अब अभी हम बताएंगे टाइम अप होने के बाद में, है ना, पर्टिकुलर थ्योरी जो कि हमारा, जिसको हम जानते हैं ना, ड्रेन वाली थ्योरी, कौन सी, इकोनॉमिक ड्रेन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ड्रेन जो था हमारा, है ना, मनी ड्रेन की जो थ्योरी थी, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट था। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो किसने कहा था, याद रखिएगा, मनी ड्रेन की जो थ्योरी थी या फिर थ्योरी ऑफ ड्रेन जो था हमारा, वो दादाभाई नौरोजी ने दिया था। लेकिन ये स्टेटमेंट दादाभाई नौरोजी का नहीं था। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नो डाउट, ये स्टेटमेंट था विलियम बेंटिंक का। ये हमें लगता है कि टाइम पीरियड दादाभाई नौरोजी का टाइम पीरियड क्या आ रहा है, हो सकता है दादाभाई नौरोजी ने जो है थ्योरी ऑफ ड्रेन जो दी थी हमारी, है ना, मनी ड्रेन की जो थ्योरी दी थी, है ना, वो उससे रिलेटेड होगा। लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेंटिक ने जो है ये पूरी की पूरी बात कही थी। तो उन्हें पता था कि ये जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए गए थे, हैवी ड्यूटीज़ लगा दी गई थी, है ना। और इसीलिए जो ये कंप्लीट हमारा सूरत का पार्ट, मुर्शिदाबाद का पार्ट, ढाका का पार्ट, यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी, वो सब क्या हो रहे थे, धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तब विलियम बेंटिक ने ये स्टेटमेंट दिया था। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके समर्थन में? दादाभाई नौरोजी के समर्थन में। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। टाइम पीरियड दोनों का अलग अलग है, लेकिन उसका समर्थन बिल्कुल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
महलवाड़ी सिस्टम यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर पार्ट है। एक ये सिस्टम हुआ करता था जो कि बहुत फेमस था, और कई बार महलवाड़ी से रिलेटेड सवाल एग्जाम के अंदर आए हैं। यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर पार्ट बिल्कुल करेक्ट है ये बताना है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। फटाफट आंसर करिएगा महलवाड़ी सिस्टम के अंदर, और फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को कर दीजिए शेयर, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो पूछिए, क्योंकि ये सवाल पूछता है पूछा जाता है कि किस क्षेत्र के अंदर महलवाड़ी का सिस्टम था, किसने जो है महलवाड़ी का सिस्टम लगाया, है ना। ये सब सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ए बी सी डी के फॉर्म के अंदर भी पूछ लेगा डायरेक्टली, और ऐसे कथन के फॉर्म में पूछ लेगा। हम चाहते हैं कि एक साथ क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज भी हो, याद आए। तो टाइम होता है यहाँ पर अप हमारा, और बिल्कुल करेक्ट पार्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है। तीनों ही पर्टिकुलर पार्ट बिल्कुल करेक्ट कह रखे हैं। ये हमारा जो है टाइम पीरियड था 1833 का, 1833 का टाइम पीरियड था, जब विलियम बेंटिक जो है हमारा रूल कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पोस्ट के ऊपर, और वो जो है सेंट्रल प्रोविंसेज, या फिर हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज, हमारा आगरा और पंजाब के ऊपर ये सिस्टम लगाते हैं। इसके अलावा गंगेटिक वैली के ऊपर भी ये पर्टिकुलर पार्ट लगता है। तो ओनली वर्ड तो यूज़ हुआ नहीं है यहाँ पर, जब ओनली वर्ड यूज़ नहीं हुआ इसीलिए ये पर्टिकुलर पार्ट सही है हमारा, ठीक है ना। ओनली यूज़ होता तो ये गलत हो जाता, और विलियम बेंटिंक लेके आए थे ये मैं बता दिया, और बिल्कुल करेक्ट पार्ट है। इसके अंदर जो वहाँ के जो विलेज कमेटी बनाई गई थी, है ना, जिसके अंदर हमारे वहाँ के जो कंप्लीट जमींदार सिस्टम वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था, और रहत वाले सिस्टम जो पर्टिकुलर पार्ट था, उसके प्रोविजन को मैच करके महल जो बनाए गए थे, जिसको हम विलेज कमेटी के नाम से जानते हैं, है ना, महलवाड़ी इसीलिए कहा गया, उसको कमेटी को क्या कहा, महल कहा जाता था। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही पर्टिकुलर चीज कह रखिए। इस विलेज कमेटी को क्या कहते थे, हम महल कहते थे, इसीलिए महलवाड़ी सिस्टम इसको कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम न्यूज़ के अंदर था, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही पर्टिकुलर पार्ट यहाँ कह रखा है। ये नहीं बताना है आपको, आपको बताना है नॉट करेक्ट, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसीलिए बोल्ड लिख रखा है, कई बार आप लोग जो है पढ़ने में मिस्टेक कर जाते हैं। हम लिख रहे हैं कि नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है, फटाफट से बता दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है हमारा ये प्रोग्राम न्यूज़ के अंदर था, लास्ट ईयर न्यूज़ के अंदर था, और उससे रिलेटेड हमारा ये सवाल है, बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर सही नहीं है। ये ऑप्शन आ रहा है, डी भी आ रहा है। क्विकली सेशन को लाइक करो, फटाफट सेशन को शेयर करो। तो होता है यहाँ पर टाइम्स अप, और यहाँ पर जो सही नहीं है वो बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। सेकंड तो बिल्कुल सही लिख रखा है कि हमारा जो 7th प्लान आया था, 5 ईयर प्लान आया था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, है ना, उसी के अंदर जो है वेस्टर्न रीजन जो हमारा कंप्लीटली पर्टिकुलर पार्ट था वहाँ से इसको स्टार्टिंग की गई थी। इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन पार्ट है यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से स्टार्ट की गई थी। बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं था, होम अफेयर्स था, कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था, है ना, MOHA था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था, गृह मंत्रालय था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बस एक छोटे से वर्ड के कारण, एक मिनिस्ट्री की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आंसर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। बाकी एकदम तरीके से एकदम सही पार्ट आगे का बोल रखा है, लेकिन ये एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट जो है यहाँ पर एक मिस्टेक था, और वो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय इसको लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, और ये सवाल कई बार पूछे गए हैं ABCD की फॉर्म के अंदर। हमें यहाँ पर क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर इसको कथन की फॉर्म के अंदर डिवाइड कर दिया, ताकि आपका हर एक पॉइंट यहाँ पर रिवाइज हो जाए। क्विकली आंसर करिए, फटाफट से सदन को लाइक कर दीजिए, फटाफट से सदन को शेयर कर दीजिए। किसी भी तरह का डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये सवाल एग्जाम के अंदर आपको कई बार देखने को मिलेंगे। ABCD के फॉर्म के अंदर भी पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि राजा राम मोहन राय को ये टाइटल किसने दिया, या ये भी पूछ सकता है आत्मसभा की स्थापना किसने की। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो रहता है वो बिल्कुल सही पर्टिकुलर पॉइंट है, ऑप्शन नंबर जो है ए, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंड बिल्कुल करेक्ट है हमारा।
ये दोनों सही है, ये गलत है। हमारा मुगल जो हमारे एम्पीरियर हुआ करते थे, इन्होंने ही इनको जो है ये स्टेटमेंट दिया था, बिल्कुल इनको जो है टाइटल दिया था, है ना, राजा का, है ना, राम मोहन राय जी को जो है ये दिया था अकबर सेकंड ने। बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है, अकबर सेकंड ने ये दिया था और मुगल एम्पीरियर ने दिया था, तो ये बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट हो गया। और आत्म सभा की स्थापना इन्होंने की थी कब, 1814 के अंदर, 1814 के अंदर जो है आत्मसभा की स्थापना की थी, ताकि क्या किया जा सके, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जितने भी तरह के सोशल या रिलीजियस प्रैक्टिसेज है जो कि उस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, उसको चैलेंज किया जा सके, जो ऐसी प्रैक्टिस जो कि जो है ज़्यादा समाज के लिए बेनिफिशियल ना हो उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये आत्मसभा उस समय बनाई गई थी। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जो पर्टिकुलर पार्ट है वो बिल्कुल गलत है। ये जो है बहुदेववाद का प्रचार और एकेश्वरवाद का विरोध नहीं करते थे, है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या था, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन, ये बिल्कुल रिवर्स करते थे, है ना। एकेश्वरवाद को जो है वो मानने को कहते थे और बहुदेववाद को यानी कि पॉलिथिज्म को जो हम कहते थे कि प्लीज़ उसे फॉलो मत कीजिए, एक से ज़्यादा गॉड को जो है बिलीव नहीं करना चाहिए, ये इसका अपोज करते थे, ना कि उसको प्रीच करने का यानी कि फैलाने का काम करते थे ना। बस यही थोड़ा सा क्या है डिफरेंस, और ऐसे ही एग्जाम के अंदर सवाल आएंगे, आउटर द बॉक्स नहीं होंगे, बस थोड़ा सा पैर के अंदर फर्क होगा और वहीं से हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छे से है। फटाफट से उनको कर दो लाइक, फिर कर दो शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है। लॉर्ड लिटन का जब टाइम पीरियड चल रहा था, जब उसका शासनकाल चल रहा था, तो कुछ घटनाएं हुई थी, तो यहाँ पर उसमें से कौन सी घटना बिल्कुल करेक्ट है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर हमें बताना है ना। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आते हमारे एग्जाम के अंदर, हमारा एग्जाम बहुत आसान सवाल पूछता है। तैयारी आपकी कैसी है, आपने पेपर को कैसे एनालाइज किया, वो आप पे डिपेंड करता है। आप सोचते हैं कि ये तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, कभी पढ़ा ही नहीं, जीआई टैग से जैसे सवाल आते हैं, लगता है कि इतने सारे जीआई टैग है ना, इतने लोग आइटम्स को मिले हैं, है ना, किस तरह से याद करेंगे। नहीं याद करो सबके सब, मत याद करो, है ना, अगर कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि वो नहीं पूछता, वो पूछता है उसी ईयर के जीआई टैग को जो कि हमारे जो है न्यूज़ के अंदर रहे हैं, उसी जीआई टैग्स को पूछेगा जो एक साल के अंदर, क्या एक साल के अंदर न्यूज़ के अंदर रहे हैं, तो पूरा याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बहुत गलती करते हो अगर 104 के 104 नेशनल पार्क या फिर जितने भी आप तक 140 या 150 के आसपास जो मटेरियल्स को जीआई टैग मिला है वो आप पढ़ते हैं, तो बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि जो न्यूज़ के अंदर है सिर्फ वही पढ़ो, आराम से वो क्लियर हो जाएगा। और राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है ना। मैक्सिमम एज को यहाँ पर जो है कम कर दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट पार्ट है। पहले जो है यहाँ पर हमारा कितनी हुआ करती थी, 21 हुआ करती थी, उसको जो है घटाकर कितना कर दिया गया था, 19 कर दिया गया था, है ना, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड के अंदर ही कहा गया था, है ना, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टाइम पीरियड कौन सा था, ये टाइम पीरियड था 1876 का, लॉर्ड लिटन के जो हम बात कर रहे हैं, ये घटना जब होती है 1876 की जो ये घटना होती है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, ठीक है ना। लॉर्ड लिटन जो है कितने टाइम पीरियड तक रहे, तो लॉर्ड लिटन जो है 1876 से लेकर के 1880 तक जो है लॉर्ड रिपन जो है अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उनके टाइम पीरियड के अंदर ही लाया जाता है, कब, 1878 के अंदर, कब, 1878 के अंदर ही लाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है। लेकिन ये जो एल्बर्ट पिल की जो हम बात कर रहे हैं वो कब आता है, वो आता है 1883-84 के अंदर, और इस समय कौन होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉर्ड रिपन होते हैं। कौन होते हैं, लॉर्ड रिपन होते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बाकी एकदम सही पर्टिकुलर पॉइंट कह रखे हैं, आर्म्स एक्ट हो गया, सेकेंड अफगान वॉर हो गया, रॉयल टाइटल एक्ट्स हो गया, क्वीन विक्टोरियाज अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद हो गया, और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये सब जो है किसके टाइम पीरियड के अंदर हुए थे, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पर हुए थे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई थिंक सो। ताल मदले इज द वेरियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल आर्ट। ताल मदले जो है निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला का एक फॉर्म है, एक रूप है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप कि क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन के टाइप आपको पसंद आ रहे होंगे, इंटरनेट पे मिलने वाले जो सवाल है वैसे आपको नहीं लग रहे होंगे, और हर एक पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, चीज़ें साथ साथ में आपके कवर भी हो रही होगी। बिल्कुल करेक्ट पार्ट है हमारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यक्षगान। यक्षगान जो है हमारा एक्चुअल में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्या है, एक तरह का थिएटर है ना, एक तरह का क्या है हमारा, एक तरह का थिएटर है हमारा। ताल बदले जो कि हमारा यक्षगान का ही एक फॉर्म है, ट्रेडिशनल आर्ट है। और ताल बदले के अंदर क्या किया जाता है, आर्टिस्ट जो है विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम, है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम और विदाउट एनी काइंड ऑफ
मेकअप एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स आके बीच में बोलता है, जब ये यक्षगान चल रहा होता है तो बीच में आके क्या बोलता है, बीच में आके कुछ वर्ड्स बोलता है कुछ चीज़ बिना किसी कोई पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम के, क्योंकि हमें पता है यक्षगान क्या होता है, एक कॉस्ट्यूम का एक पर्टिकुलर जो है हमारा थिएटर होता है कॉस्ट्यूम, यहाँ पर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ताल बदले बीच में एक इंसिडेंट आता है, कोई व्यक्ति आता है सिर्फ और सिर्फ कोई बात कहता है और फिर वापस से हमारा थिएटर जाने की नाटक स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसका है, यक्षगान का है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप कि यू हैव एन्जॉय द सेशन और इसी तरह से बने रहिए ग्रेड अप के साथ, क्योंकि सही प्रेप है तो लाइफ सेट है हमारी। और ये वो एग्जाम्स है जिसकी हमारा जो है ग्रेड अप प्रिपरेशन करवाता है, यूपी हो, बिहार हो, उत्तर हमारा जो है मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर हमारा जो है और स्टेट्स हो, आपको इन एग्जाम्स की तैयारी जो है हमारा ग्रेड अप करवाता है। और आप हमारे सुपर फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। आपको जो है अपना प्लान पहले चूज करना होगा और उसके बाद आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है उसके अंदर स्किल 50 आप कोड यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और फिर आप फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको रनिंग एंड अपकमिंग दोनों ही कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, वेल स्टडी हिस्ट्री प्लान मिलेगा और एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आप अपने सारे के सारे डाउट एंड कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे काउंसलर महोदय से पूछ सकते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज है जिनके थ्रू आप अपने जो है हर एक डाउट और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। वी विल मीट अगेन ऑन द सेम टाइम टुमारो 9:30 AM फ्रॉम संडे टू थर्सडे, रविवार से गुरुवार। आई होप यू एन्जॉय द लेक्चर, सो प्लीज़ शेयर इट एंड डू जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपको जो है यहाँ के सारे नोट्स अवेलेबल हो चुके आपके। और ये जो नोट्स हैं मैं ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा भी चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अपना छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बने रहिए ग्रेड अप के साथ, क्योंकि सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। एवर नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, राम राम, दुआ सलाम।